नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी उमा। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर उमाश्री में। मित्रों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। मित्रों बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण आने वाला है 21 जून 2020 को, और ये बहुत सा प्रभाव डालेगा राशियों पर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जन्म ही ग्रहण में हुआ है, कि कभी भी हुआ हो ग्रहण में हुआ है। इसके अलावा जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, सर्प दोष है, तो उनके लिए ये उपाय विशेष कारगर है। जिनकी कुंडली में ये कोई भी दोष नहीं है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी उमा और आपको ऐसी जानकारी देती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है। मित्रों ये मेरे वर्षों के अनुसंधान, शोध और ज्योतिष पर किए गए कार्य का परिणाम है कि मेरा ज्ञान आपके काम में आ रहा है। ये परमात्मा की देन है और मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ जब आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए वैल्यूएबल होता है, जिसको किसी भी शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता, और इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी उमा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों आपको क्या करना है, किसी भी सपेरे को रिक्वेस्ट कर लीजिए कि वो सांप की जहाँ पर बाबी होती है वहाँ की मिट्टी आपको लाकर दे दें। उस मिट्टी को आपको लेकर मुख्य द्वार पर बिखेर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये काम स्वयं नहीं करना है, क्योंकि सपेरे के हाथ लगने जरूरी हैं। तो सपेरे के हाथ लगी हुई वैसे कोई भी मिट्टी चलेगी, लेकिन सपेरे लोग सांप वगैरह के आसपास जाने में भय नहीं खाते हैं। तो अगर उनके पास पड़ी हो या कोई ऐसा मनुष्य जो ऐसी जगह रहता हो जहाँ सांप वगैरह के बिल हो, आप उनसे भी ले सकते हैं, लेकिन सपेरे का हाथ लगना जरूरी है। उनको दक्षिणा और वस्त्र भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये काम आप कर लीजिए ऐसा कर, और उस मिट्टी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिखेर देना है। अगले दिन झाड़ू लगा के साफ कर देना है और पानी से उसको बहा देना है। बस ये आप करिए, और आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। मैं कालसर्प दोष के मंत्र भी आपको 21 जून से पहले बता दूंगी, उन मंत्रों को आप सिद्ध कर लीजिए। तो जिनको कालसर्प दोष है और शांति कराने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, उनके लिए ये मंत्र बहुत कारगर हैं। और 12 के 12 जो कालसर्प दोष हैं उन सबके मैं मंत्र आपको बता दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम टाइमली आपको किस तरह से सॉल्व करनी है यह पूरी प्रक्रिया आपको पता चल सके। तो इस तरह से सपेरे के हाथ लगी हुई ये मिट्टी अपने घर के मुख्य द्वार पर आप जरूर बिखेर देना ग्रहण के दिन, और आपकी सभी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकती है उससे आपका बचाव होगा।